शहर पुलिस को 19 गुनाहों में लिप्त फरार मोका के आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मोका आरोपी को हाईकोर्ट ने जामीन खारिज कर दिया है, जिसके बाद मोका आरोपी पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर रफू चक्कर हो गया था। आखिरकार गिट्टी खदान पुलिस ने मोका आरोपी को ढूंढ निकाल कर गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर पिछले कई महीनों से फरार मोका के आरोपी को आखिरकार गिट्टी खदान पुलिस ने ढूंढ कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। जी हाँ, उक्त आरोपी ने अपनी जामीन की अर्जी हाईकोर्ट में दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जामीन को मंजूरी नहीं दी थी, जिसके बाद मोका आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था। पुलिस के लिए ये एक चुनौती थी। आखिरकार गिट्टी खदान पुलिस ने उसे ढूंढ ही निकाला। आरोपी है सुमित राजकुमार ठाकुर करके, ये मोका गुने का एक्चुअली आरोपी है। मोका गुने में फरार था, उसको उच्च न्यायालय से जामीन नामंजूर हुआ था, तब से वो फरार था। तो कल हमारे डीबी टीम को ऐसी मालूम हुई थी कि वो गिट्टी खदान में आने वाला है और फलाने फलाने कार से आने वाला है, यह हमको जानकारी मिली थी। उसी जानकारी की वजह से कल उसको हमने पकड़ा है। इसके ऊपर इससे पहले हमारे पुलिस स्टेशन में करीब करीब 9-10 गुने दाखिल है और पूरे नागपुर शहर में 19 गुने दाखिल है। नहीं, वो तो बता रहा है कि खाना खाने के लिए आया था, लेकिन इसका कुछ मीटिंग के लिए आया होगा ऐसा। कभी पुलिस आगे तो कभी फरार आरोपी आगे रहता है, लेकिन अंत में पुलिस आगे और आरोपी सलाखों के पीछे ही रहता है। गिट्टी खदान पुलिस थाने से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मीरे, NBC न्यूज़ नागपुर।